हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुम सक्सेना और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हार्मोन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, कि हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है ग्लूकोज लेवल का, जो भी ब्लड में हमारे ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसके ऊपर हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है। तो बेसिकली दो हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, तो उसके बारे में हम पूरा इसमें एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे क्या होती है वो चीज़। और उससे पहले इंट्रोडक्शन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। जो ब्लड जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में वो बहुत एसेंशियल होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। होम्योस्टेसिस क्या होता है, जो अपना जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है या किसी भी बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उसकी जो इंटरनल जो इक्विलिब्रियम होता है, जो इंटरनल सिस्टम जो होता है उसको मेंटेन रखने के लिए उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं, उस वर्ड को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो ब्लड ग्लूकोज को जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो उसका मेंटेनेंस होना या रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज इज द मेजर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है, या फिर आप कह सकते हो कि मेजर प्रोडक्ट है जो कि हर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाद में बनता है, बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे ही हमको एनर्जी मिलती है। ओके, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक पाथवे। जो ब्लड ग्लूकोज होता है, जो ब्लड लेवल होता है ग्लूकोज का, वो रेगुलेटेड होता है नेगेटिव फीडबैक से। हमारे दो फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में। तो इसमें ध्यान रखिए कि नेगेटिव फीडबैक पाथवे से वो रेगुलेट होता है। बेसिकली टू हार्मोन्स रिलीज होता है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। इंसुलिन आपने कई बार नाम सुना होगा, जिनके डायबिटीज़ होता है तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन एक हो गया और दूसरा ग्लूकागॉन, दो होते हैं। तो वो जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, इसलेट सेल्स से, इसलेट सेल्स। ठीक है, ये दो सेल्स होते हैं। अब इन दो सेल्स के अंदर दो सेल्स होते हैं इसलेट सेल्स में। इसलेट सेल्स कंटेन्स, इसलेट सेल्स हैव फर्स्ट अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स में आता है आपका ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट्स ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल्स, बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन। ठीक, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इंसुलिन की, ग्लूकागॉन, और बात करेंगे कि कैसे हार्मोनल रेगुलेशन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए या फिर शुगर बढ़ जाए तो कैसे रिएक्ट होती है बॉडी, बॉडी के अंदर कैसे रिएक्शंस होते हैं, और अगर जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी के अंदर वो कम हो जाए तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन जो पैनक्रियाटिक अल्फा सेल्स होते हैं, सबसे पहली चीज ये होते हैं कि जो जो हमारे इसलेट सेल्स होते हैं वो एंडोक्राइन टिश्यू के पार्ट होते हैं। एंडोक्राइन टिश्यू, एंडोक्राइन टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, काफी जगह पे पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे एक पैनक्रियाज होता है, तो पैनक्रियाज में इसलेट सेल्स होते हैं। इसलेट सेल्स में दो सेल्स होते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन, एंड बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। ठीक, तो पैनक्रियाटिक अल्फा सेल, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, पैनक्रियाटिक बीटा सेल, बीटा सेल्स इंड्यूस और प्रोड्यूस, और कह सकते हैं आप रिलीज, रिलीज इंसुलिन, इंसुलिन व्हेन देयर इज, व्हेन देयर इज हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज फॉर्म। बेसिकली ये जो इंसुलिन होता है वो तब निकलता है जब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर शुगर हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल आपका ब्लड लेवल में बढ़ गया है, तो क्या करते हैं, जो इंसुलिन होता है वो सिक्रीट होने लगता है अपने आप।
आपकी बॉडी जो है इंसुलिन सिक्रीट करती है, तो इंसुलिन से क्या होता है वो जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है वो होम्योस्टेसिस से मेंटेन कर लेते हैं और शुगर को अपने आप वो नीचे लगाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि दूसरा पॉइंट ये है कि जो इंसुलिन है वो अपने आप कंटिन्यूसली सिक्रीट भी होता रहता है बहुत माइन्यूट अमाउंट में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्दो इंसुलिन ऑल्सो सिक्रीट्स कंटिन्यूसली इन माइन्यूट लेवल एज इंक्रीज इन ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज। ऐसी थ्योरी बताई गई है एक प्रैक्टिकल में कहा गया होगा या हुआ होगा कि जैसे जैसे अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो अपने आप जो इंसुलिन होता है वो धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होता रहता है। जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है वो अपने आप बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आपको मान लीजिए अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ये बढ़ रहा है एक तो उसके प्रोपोर्शनली जो इंसुलिन है ये भी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे ताकि इसको ये काउंटर अटैक कर सके। है ना, काउंटर अटैक करेंगे तभी तो उसको मिनिमाइज करेंगे या फिर उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आएंगे। है ना, एंड ऑल्सो डिक्रीज व्हेन देयर इज डिक्रीज इन ब्लड देयर इज डिक्रीज इन लेवल ऑफ ब्लड इन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब वो आपका ग्लूकोज लेवल वो बढ़ रहेगा तो सीधी सी बात है इंसुलिन भी बढ़ेगा। है ना, अगर ये दूसरी बात ये भी है कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो रहा है तो ग्लूकोज लेवल नीचे भी आएगा। तो ये तो रही पूरी इंसुलिन की बात। अगर हम उसका हार्मोनल स्ट्रक्चर देखें कि हार्मोनल कैसे होता है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ पूरा डायग्राम वाइज। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हार्मोनल रेगुलेशन है ग्लूकोज लेवल का, इसका मेन जो आपको ऑब्जेक्टिव होता है बस ये पढ़ाने में होता है कि आपको डायबिटीज़, अगर यानी कि इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस जो एक बीमारी होती है काफ़ी ज़्यादा लोगों में पाई जाती है, कॉमन होती है, तो उसको समझने के लिए हमको पहले ये समझना होता है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक, ये चीज़ समझने में बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको ये समझ में आ गए तो आप डायबिटीज़ मेलिटस बहुत आसानी से समझ लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं आपको हार्मोनल रेगुलेशन बताऊँ डायग्राम वाइज तो कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास में दो केस हैं, एक में जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो बहुत कम है, लो ग्लूकोज लेवल, यहाँ पे हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। एक दो केसेस हमने ले लिए, लो ग्लूकोज लेवल और हाई ग्लूकोज लेवल। ठीक, अब क्या होगा अगर एक पेशेंट के पास में उसके अंदर जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो अगर कम है तो क्या होगा, तो ये सिग्नल भेजेगा पैनक्रियाज में अपने आप, पैनक्रियास के पास में सिग्नल जाएगा। पैनक्रियास के पास सिग्नल जाने के बाद में क्या होगा, अब जो अगर दूसरी चीज ये है कि ग्लूकागोन और इंसुलिन में डिफरेंस क्या है। ग्लूकागोन में ये डिफरेंस है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लूकागोन क्या करेगा, इन जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ा देगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन पे ले आएगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे जो ग्लूकागोन है ग्लूकागोन रिलीज हो जाएगा, कहाँ से, ग्लूकागोन रिलीज बाय अल्फा सेल्स, जो पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स होते हैं, इसलेट सेल्स होते हैं, ग्लूकागोन रिलीज बाय अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज
दैट इज इसलेट सेल्स. इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था इसलेट सेल्स में. इसलेट सेल्स दो टाइप के होते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल. अल्फा सेल्स हमारे ग्लूकागोन को सिक्रीट करते हैं. अब क्या होगा, फिर यहाँ से लिवर, लिवर पे आएगा. तो लिवर क्या करेगा, वो अपने आप फिर ग्लूकोज को सिक्रीट करना शुरू कर देगा. ग्लूकोज जो लिवर है, बहुत सारे आपको हमने पिछले हमने वो साइकिल्स पढ़े थे, मेटाबॉलिज्म साइकिल्स पढ़े थे. तो काफ़ी सारे जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो काफ़ी सारे जो होते हैं वो लिवर में पाए जाते हैं. चाहे आपका ग्लूकोरियोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, काफ़ी सारे जो होते हैं वो लिवर में पाए जाते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो सारे लिवर में पाए जाते हैं. तो लिवर क्या करेगा, लिवर ग्लूकोज को रिलीज करेगा. रिलीज ग्लूकोज, लिवर जो है वो ग्लूकोज को रिलीज करेगा और ये मेंटेन कर लेगा एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे जो हमारी होती है ग्लूकोज की इन ब्लड लेवल पे. ये हमारी स्टैंडर्ड है, दैट इज नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन. एक तो केस हमारा ये हो गया, फर्स्ट केस. ठीक है, फर्स्ट केस ये हो गया. दूसरा केस क्या, अगर किसी बंदे को डायबिटीज है, डायबिटीज है तो क्या होता है, तो हाई ग्लूकोज लेवल होता है उसके ब्लड में. ग्लूकोज मतलब सीधी सी बात है शुगर. आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, अगर किसी और को समझा रहे हैं है ना, तो आप शुगर ही बोलोगे, सीधी सी बात है. तो ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाता है ब्लड में तो उसको शुगर हो जाती है. तो क्या होगा, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, तो बॉडी क्या होता है फिर ये उसको भेजेगी सिग्नल किसको, पैनक्रियास को. पैनक्रियास को सिग्नल भेजेगी, तो पैनक्रियास क्या करेगा फिर यहाँ से इंसुलिन को सिक्रीट करेगा. इंसुलिन रिलीज बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, दैट इज इसलेट सेल्स. अब क्या करेगा पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या करेगा, बीटा सेल्स को, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन को रिलीज करेगा. इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जो है वो फैट सेल्स को, बहुत सारे सेल्स को, जो एडवांस हमारे जो सेल्स हैं, चाहे आरबीसी हो, चाहे कितने भी टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, वो जो फैट सेल होंगे, फैट सेल्स या कोई भी सेल्स, फैट सेल्स, तो फैट सेल जो है अब्सॉर्ब कर लेंगे ग्लूकोज को. ओके, फैट सेल्स विल अब्सॉर्ब और कह सकते हैं विल टेक ग्लूकोज इनटू देम. फैट सेल्स विल टेक ग्लूकोज इनटू देम, अपने ऊपर, अपने अंदर वो ग्लूकोज को ले लेंगे. फिर वो क्या होगा, फिर यहाँ से वो अपने आप वो मेंटेन हो जाएगा, क्या नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी. फिर से ये हाई लेवल था, फिर से नॉर्मल कंडीशन आ गई. तो ये था हमारा पूरा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज. अब हम बात करें अगर ग्लूकागोन की, तो ग्लूकागोन की लिखने वाली कोई बात ही नहीं है, सीधी सी बात है. ग्लूकागोन में क्या, ग्लूकागोन जो होते हैं वो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं. ग्लूकागोन क्या है, छोटी सी लाइन लिखनी, ज्यादा बड़ा है नहीं. ग्लूकागोन जो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा था बस वही है. ग्लूकागोन क्या है, ग्लूकागोन इज अ हार्मोन that secreted by alpha cells of islet cells in pancreas. बस इतना आपको याद रखना है ग्लूकागोन में, और कुछ है नहीं. ठीक है, बस इतना है ग्लूकागोन. सो दिस वॉज द वीडियो हार्मोनल रेगुलेशन. बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, बहुत ईजी समझाया है. होप यू लाइक द वीडियो एंड होप यू अंडरस्टैंड वेल. So please do share and subscribe. Thank you so much.